Hello students, how are you? I hope all are you fine. Today we are going to see the third part of the 5th standard EVS 1 5th number lesson, that is a family value. Read and discuss. Read the following dialogue given below and discuss the problem stated and its solution. Our teacher taking us to see a fort. It will be a lot of fun, but let us not include Savita and Samit in our group. Savita talks too much and Samir is always playing pranks. So what? Savita sings well and Samir tells joke. Let's talk to them. They will understand. Let's not leave them out. देखो एक कंडीशन दी कि जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की क्या करे, वहाँ पे डायलॉग है कि एक बोल रहा है कि सविता और समीर को ग्रुप में नहीं लेना चाहिए, तो लड़की उसे क्या करे, समझा रही कि नहीं, सविता बहुत अच्छे तरीके से क्या करते, सविता और समीर बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे पार्टिसिपेट हो सकते। फिर दो लड़कियाँ बोलते, दैट्स ट्रू, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर द ट्रिप टुगेदर, सब मिलकर हम ट्रिप के लिए प्रिपेयर होते हैं। यस गायत्री, राइट, लेट अस लर्न न्यू सॉन्ग फ्रॉम सविता, सविता से सॉन्ग सीखते एंड न्यू जोक्स फ्रॉम द समीर, ओके। तो इस तरीके से ये बच्चे क्या हो गए, एग्री हो गए कि हम क्या करते, सविता और समीर को भी क्या करते, ट्रिप में हमारे साथ ऐड करते। इसे कहा जाता है टॉलरेंस। टॉलरेंस इज रिस्पेक्टिंग ओपिनियन ऑफ अदर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन ओपिनियन, मतलब हमारे ओपिनियन के अलावा जिनके ओपिनियन है उसे क्या करें, हम रिस्पेक्ट करें। वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, सबकी कुछ ना कुछ बुराई तो होती है ना, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ अवर फैमिली। वी मे नॉट एग्री विद ईच अदर एवरी टाइम, समटाइम्स देयर आर डिसएग्रीमेंट इवन बिटवीन फ्रेंड ऑल्सो, यस, एट अ सच अ टाइम we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. On such occasion we must listen to other person, dusre logo ko sunna chahiye hame. In this way we learn to be tolerant. People belong to various religion, creeds, culture and following different custom live in our country. सबको पता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग वहाँ पे कल्चर वाले रिलीजन वाले लोग क्या करते, एक साथ रहते, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की जो भी कल्चर है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसे कुछ बुरा नहीं कहते। इसे ही कहा जाता है टॉलरेंस, कि हम क्या करते हैं कि कोई किसी का फेस्टिवल है तो हम उसे भी रिस्पेक्ट देते। डाइवर्सिटी एनरिचेस अवर सोशल लाइफ, द सेम कैन बी प्रिजर्व बाय टॉलरेंस। ये किससे प्रिजर्व हो सकता है, टॉलरेंट की वजह से प्रिजर्व हो सकते हैं, इसीलिए हम सब एक साथ रहते। वी कैन सॉल्व अवर सोशल प्रॉब्लम्स बाय बीइंग टॉलरेंट, और हमारे सोशल प्रॉब्लम भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम एक दूसरे का जब तक सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। नेक्स्ट, दैट इज अ जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मीन्स नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स एंड गिव देम इक्वल ट्रीटमेंट, उन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली राइट है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू बी अवर इक्वल्स, सब फ्रेंड्स में सारे इक्वल होते। वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज सिटीजन व्हेन वी ग्रो अप। बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी Everyone gets to learn and make progress. Progress कर सकते इस equality की वजह से। हम friends में भी हो तो क्या, equality बहुत important है। Next हम देखते हैं कि जैसे देखो आप school में पढ़ते हो, basic needs of everyone must be fulfilled, सबकी basic needs fulfilled होनी चाहिए। जैसे हमारी क्या है basic need, food है, shelter है, उसके बाद अभी education add है उसमें, और बहुत सारे जो basic needs है हर किसी की क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। इसीलिए सबके अंदर एक इक्वालिटी वहाँ पे क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। एवरीवन शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सीखने के लिए और उसे प्रोग्रेस करने के लिए। हम किसी को रुका सकते हैं क्या प्रोग्रेस करने के लिए, नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग है। सबके लिए इक्वालिटी होती है, कोई भी करियर क्या कर सकता है, चूज कर सकता है और उसे अच्छी तरीके से वो वहाँ पे प्रोग्रेस कर सकता है। व्हाट्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, अभी देखो कि ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, या इक्वालिटी करनी तो क्या सॉल्यूशन है। द फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व इन सम फैमिलीज,
In some homes, boys' uniform, textbook and bags are bought first, purchased for girls are put off. ऐसे किया जाता है ना किसी किसी घर में कि बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है और गर्ल को नहीं, तो बॉयज़ के क्या कहते हैं जो उनके यूनिफॉर्म में टेक्स्ट बुक पहले लिए जाते और फिर गर्ल्स के लिए जाते, या वहाँ पे पैसे हो तो बाद में गर्ल्स के लिए जाते, बट ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों के मन में ये आ जाता है। व्हेन हिज टीम लॉस्ट अ कबड्डी मैच, राजू बिगेन टू क्राई, जब वो कबड्डी मैच हार गया तो रोने लगा। डाइन सेन, व्हाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल, तो तुम लड़कियों की जैसे क्यों रो रहे, ऐसे कहते हैं ना हम भी कभी, तो ये क्या है गलत है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे गर्ल्स और बॉय हम क्या कहते हैं नहीं बोलते ना, वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए गर्ल और बॉय में। वंदना लाइक्स द बैट एंड बॉल अ लॉट, हाउएवर शी इज़ गिवन डॉल्स एंड टॉय स्टोर्स द यूटेंसिल टू प्ले हाउस। देखो वंदना को बैट बॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, पर घर वाले क्या कहते हैं उसे जो डॉल्स और टॉय स्टोर्स देते, जो हाउस यूटेंसिल्स होते हैं वो खेलने के लिए देते, ये सही है क्या? नहीं, तो उसे भी क्या देने चाहिए, बैट बॉल खेलने के लिए देनी चाहिए। सारिका हेल्प्स हर मदर विद द कुकिंग एंड हाउस वर्क, हर ब्रदर इज नेवर आस्क्ड टू डू द सेम। जो सारिका उसके घर में क्या, जो सारिका उसकी मम्मी को हेल्प करती है घर के कामों में, बट उसके ब्रदर को कभी नहीं बोला जाता कि वो क्या करे, घर के काम करे। ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। तो घर में क्या होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, जैसे लड़कियां घर में काम करते वैसे ही वहाँ पे लड़कों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे काम करने के लिए बोलना चाहिए, तो इसीलिए क्या होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी। तो इस तरीके से जैसे स्कूल में भी देखो, स्कूल में कभी ऐसे होता है क्या? नहीं। हाउ कैन वी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एट अवर होम, घर में कैसे कर सकते हैं जेंडर इक्वालिटी? बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ शुड नो बेसिक लाइफ स्किल लाइक कुकिंग, स्टिचिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये जो बेसिक थिंग्स है वो सिखानी चाहिए दोनों को। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी गिवन सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, राइट? ट्रीटिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ सिमिलर मैनर, राइट, ऐसे भी करना चाहिए। एग्जाम्पल, गिविंग सिमिलर टॉयज टू बोथ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में दोनों को सेम क्या देनी चाहिए, टॉयज देनी चाहिए, तो उसकी हमें लाइक्स और डिसलाइक्स भी पता चलती ना, इसे हम उसे इक्वालिटी कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी। हाउ कैन वी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ में कैसे कर सकते, रिस्पेक्टिंग वुमन एंड नॉट इवन टीजिंग देम, फोकस ऑन गर्ल लीडरशिप एंड स्किल बिल्डिंग, मेक पब्लिक स्पेसेस सेफ फॉर वुमन टू यूज एट एनी टाइम ऑफ द डे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे, कि लड़कियों को भी वहाँ पे क्या देना चाहिए, इम्पोर्टेंट। एजुकेटिंग अवसे अबाउट इश्यूज लाइक किलिंग गर्ल चाइल्ड डाउरी एंड एक्टिंग अगेंस्ट देम, ये जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर क्या करने चाहिए, वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, हॉनेस्टी इंक्रीजेस इफिशेंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड लेबर, ये हमने अभी तक सीखा। What we have learned, हमने क्या क्या सीखा, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, कि जैसे देखो कौन सी चीज़ें सीखी हमने, अभी वन बाय वन देखते हैं। Everyone in the family must have say in decision making के सबके participation होने चाहिए। We must be honest in our private and public life। Tolerance and cooperation make our community life harmonious and peaceful also। A tolerant attitude make it easy to preserve diversity. Men and women are equal. It is not right to discriminate between them. ये हमने सीखा। Thank you very much.